पाकिस्तान, सरहद, चुनाव, सब कुछ यही है। मैं तो नरेंद्र मोदी साहब से कह रहा हूँ, अमित शाह साहब से कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। अरे हम घुसपैठिए नहीं है, आपके गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी घुसपैठिए है जो बर्मा में पैदा हुए थे। उनसे कहिए कि वो अपने पिताजी का सर्टिफिकेट ला करके दे। हम घुसपैठिए नहीं है, हमने खून से सींचा है इस मुल्क को। घुसपैठिए अडवाणी साहब है जो आजादी के बाद सिंध से चल करके हिंदुस्तान में आए हैं। हम घुसपैठिए नहीं है, इस बात सबूत नहीं देंगे। इस बात हम आपसे सबूत मांगेंगे कि लाइए, पहले आप दिखाइए। अगर आपको हमसे सबूत लेना है तो दीजिए सरकार से इस्तीफा, पहले आप साबित करिए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उसके बाद हमसे सबूत मांगने का हक हाँ आपको बनता है, वरना नहीं बनता है। इन्हीं दुआओं के साथ सिवान वालों, 22 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने जा रहा है इस मसले पर, दुआ करिए, आंदोलन को और बड़ा करिए, डरिएगा मत, आंदोलन को कमजोर मत पड़ने दीजिएगा, बिल्कुल मत डरिएगा, इस बार बिल्कुल मत डरिएगा, बिल्कुल मत डरिएगा। इनसे ज्यादा क्रूर थे अंग्रेज, लेकिन एक दिन उन्हें भी जाना पड़ा, एक दिन उन्हें भी भागना पड़ा। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे एक बड़ी खास गुजारिश कर दूं, ये आंदोलन हमें नए नए तरीके भी सिखा रहा है, घर से जब भी निकलिए अपने हाथ में तिरंगा लेके निकलिए, आंदोलन में शामिल होने आइए तो तिरंगा आज ही जाकर के तिरंगा खरीदिए, मार्केट से सारे तिरंगे खरीद लीजिए, स्टॉक कम हो जाए, लगे कि देशभक्तों की बाढ़ आ गई है इस देश में। तिरंगा लेकर के निकलिए, ये आंदोलन हमें नए नए तरीके सिखा रहा है। मैं जंतर मंतर पे खड़ा था, आपको बड़े मजे की बात बताऊं, ढेर सारे छात्र लड़कियां लड़के खड़े होकर के सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे, उधर से पुलिस को आदेश हुआ कि इनको हटाओ, पुलिस डंडे लेकर के पहुंच गई, उन बच्चियों से कहने लगी कि नारा लगाना बंद करो वरना लाठी चार्ज करेंगे। लड़कियों ने कहा नहीं बंद करेंगे, पुलिस ने जैसे ही लाठी उठाई लड़कियों ने खड़े होकर के राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। मजहबी नारों से बचाइए, मैं बहुत जिम्मेदारी भरी बात कर रहा हूं, पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं, आपके इस आंदोलन में कोई मजहबी नारा, कोई धार्मिक नारा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यह न तो राजनीतिक आंदोलन है न धार्मिक आंदोलन है। मैं यहां किसी नेता की हैसियत से नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और आपके भाई की हैसियत से आया हूं। मुझे पता है कि आप सड़क पर हैं तो मैं घर में कैसे बैठ सकता हूं, मेरा जमीर गवाही नहीं देता कि मैं घर पर बैठूं, मुझे आपके बीच में खड़ा होना है, मुझे आपके साथ खड़े होकर नारे लगाने हैं। इसलिए कोई मजहबी नारा नहीं, कोई धार्मिक नारा नहीं, कोई राजनीतिक नारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए नारा लगेगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगेगा। राष्ट्रगान गाइए, बैठिए धरने में, ज्यादा से ज्यादा आइए। और एक बात, ये सरकार अगर आपने हाथों में कंकर उठा लिया तो तैयार बैठी है। सारे सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ही नहीं कर रहे हैं, यहां जो पटना में बैठे हुए हैं ना, उनसे भी सवाल पूछिए। आप सड़कों पे उतर आए हैं तो हालत